से माफ़ी मांगना चाहता हूँ जो मैंने किया उस लड़की के जाल में फंस के। कभी मैंने उनकी बात नहीं मानी अपने माँ बाप की, हमेशा हर चीज़ उनके अगेंस्ट में किया। मैंने जो किया मैं उसकी, जो भी मैंने किया मैं उसकी सज़ा जो भी मुझे मिले मैं उसको भुगतने के लिए तैयार हूँ। और हम माता पिता से ये है निवेदन कि वो मुझे माफ़ कर दें। और जो लोग भी इसे वीडियो को देख रहे हैं वो अपने बच्चों को दिखाएं, अपने बच्चों को समझाएं कि ऐसे लड़के लड़कियों के चक्कर में बिल्कुल ना पड़े, ताकि जैसे मेरी ज़िंदगी बर्बाद हुई वैसे और किसी मेरे भाई बहन की ज़िंदगी बर्बाद ना हो। उत्तर प्रदेश के मोहनलालगंज से बीजेपी सांसद कौशल किशोर के बेटे पर गोली चलवाने के मामले में फिर नया ट्विस्ट आया है। सांसद के बेटे आयुष ने अपनी पत्नी और साले पर गंभीर आरोप लगाए हैं। आयुष का कहना है कि उसकी पत्नी ने उस पर गोली चलवाई, वो बहुत जल्द ही सरेंडर करने वाला है। सांसद के बेटे आयुष ने वीडियो जारी कर बताया कि कैसे उसकी अंकिता के साथ शादी हुई। आयुष का कहना है कि परिवार वालों की मर्जी के खिलाफ जाकर मैंने अंकिता से शादी की, लेकिन शादी के कुछ महीनों बाद ही उसके कई राज सामने आने लगे। अंकिता ने पहले से ही किसी और शख्स से शादी कर रखी थी। आयुष का कहना है कि जब मैंने अंकिता से इस बारे में पूछा तो उसने हमारे साथ मारपीट की, मुझे धमकाया, और जिस दिन मैं ट्रामा में भर्ती था उसने मुझे कॉल किया कि मैं तुम्हारे पिताजी के विरोधियों के साथ मिल जाऊंगी और वो मुझे ऑफर दे रहे हैं, मैं तुम्हारे पिता को बर्बाद कर दूंगी। आयुष का आरोप है कि कई बार अंकिता ने मेरे साथ मारपीट की जिसके निशान भी मेरे हाथ पर हैं। जब उसने मारपीट की तो वो बोली कि तुम मुझे अपनी शक्ल मत दिखाना। मैंने बोला ठीक है नहीं दिखाऊंगा। दो दिन बाद फिर उसका फ़ोन आया, मैं घर पर उसका वेट कर रहा था। उस दिन अंकिता बहराइच गई थी किसी से मिलने के लिए और उसी रात ये गोलीकांड हुआ जब वो मिलकर आई। आयुष ने कहा कि मैं लखनऊ आ रहा हूँ सरेंडर करने और जो भी सज़ा मुझे मिलेगी वो मुझे कबूल है, लेकिन उसकी पत्नी के विषय में भी पता कराया जाए। ये पूरा मामला 2 मार्च 2021 का है जब रात 2 बजे बीजेपी सांसद कौशल किशोर के बेटे आयुष को अज्ञात हमलावरों ने गोली मार दी थी। जांच में सामने आया कि आयुष पर उसके साले ने ही गोली चलाई थी। उसके साले का कहना है कि मैंने आयुष के कहने पर विरोधियों को फंसाने के लिए गोली चलाई थी। फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले की जाँच कर रही है। जब से लॉकडाउन शुरू हुआ था तब से मेरे बेटे को उसने फंसाया। मेरे सांसद जी कोरोना में थे, हम लोग उसी में सारा घर लगे रहे और मेरा बेटा आता था देख करके चला जाता था, तो मैंने कहा कहीं दोस्तों मित्रों के यहाँ रुकता था। मगर उस लड़की, मेरे बच्चे की 19 साल की उम्र है, उस लड़की की 25-26 साल की उम्र है, तो मेरे बच्चे को ऐसा चंगुल में फंसाया कि मेरे बच्चे को बर्बाद कर दिया। वो जानते थे कि ये सांसद हैं, विधायक हैं, तो इनके पास बहुत ज़्यादा सब चीज़ होगा और इसी इसके बेटे को चुंगल में फंसा लेंगे तो मैं कल कदा इनकी बहू बन के रहेंगे। जब शादी ना हुआ ना ब्याह हुआ तो किस चीज़ की मेरी बहू, किस चीज़ की मेरी बहू। तो हम ये कहना चाहते हैं अब जो हुआ, अब हम लोग तो दुखी अपने बच्चे से है ही हैं, क्यों इतनी तेज तर्रार महिला है कि आप लोग उसके बयान देखा होगा, हर जाके मीडिया वालों से जाके घुस घुस करके अपने मीडिया वालों से हम लोगों को बदनाम किया कि मेरे वो जो हैं सांसद और विधायक तो हैं तो इस तरह का काम किया, हम वहीं की जायदाद प्रॉपर्टी लेंगे। और जब भाई मेरे सामने ना शादी हुई ना ब्याह हुआ ना कुछ है, मेरे बेटे को फंसाया गया, 3 साल की मेरे बेटे की उम्र है और इस तरह की इस महिला ने फंसाया है, और जबकि उसकी अभी छानबीन तो हो रही है, उसकी शादी भी हो चुकी है, उसका बच्चा भी है, अभी आगे जाके अभी देखिए, अब तो छानबीन शुरू हुई, अभी देखिए क्या क्या होता है। ठीक है।